अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और जो आज हम बनाने वाले हैं, भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं हम लोग, जल्दी से तैयार होने वाला मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के और ज़्यादा बातें किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जो हमें चीज़ें ज़रूरत है वो ये है। तो फ्रेंड्स, जो जो हमें फ्राई गोश्त बनाने के लिए चीज़ें ज़रूरत है वो ये है। 1.5 किलो गोश्त चाहिए, जिससे हम लोगों ने अच्छी तरह धो लिया। और साथ ही हम लोगों को चाहिए 4 प्याज़े जो हमने तो काट ली है, 4 टमाटर। और गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ी सी मिर्ची ली है, 2-3, जिसे हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। और अदरक भी 2 चम्मच हमें चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 2 चम्मच हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमें चाहिए हल्दी छोटा, 1 चम्मच हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया, हसब जरूरत नमक। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसमें 2 चम्मच ऑयल ले लिए थे और साथ ही हमने गोश्त ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और साथ ही तमाम मसाले। तो फ्रेंड, हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी 1/2 गिलास। और फ्रेंड, 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें प्रेशर लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। अब ये जो पानी, इसको खुश करेंगे और हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक इसका ऑयल इसके मसाले के साथ अलग नहीं हो जाता। फिर हमारी डिश तैयार हो जाएगी बनकर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का गोश्त भुन के बिल्कुल अच्छे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने बारीक बारीक मिर्चे और अदरक काट ली थी, वो हम डाल देंगे। और दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग की डिश बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हमारी डिश।